कभी सोचा है कि सोना हजारों साल जमीन के अंदर दबा रहने के बाद भी कैसे चमकता रहता है? 3000 साल पुराना सोना भी बिल्कुल नया लगता है, लेकिन आयरन या स्टील जैसे मेटल्स रस्ट हो जाते हैं और एल्यूमिनियम या कॉपर जैसे मेटल्स करोड कर जाते हैं। चलिए जानते हैं इस इटर्नल ग्लो के पीछे का साइंस। रस्ट तब बनती है तब आयरन जैसे मेटल्स ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं और बनाते हैं आयरन ऑक्साइड्स, जिसे हम आम तौर पर रस्ट कहते हैं। आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम के आउटर इलेक्ट्रॉन्स बहुत लूजली बाउंड होते हैं, इसलिए ये मेटल्स केमिकली एक्टिव होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स हवा, पानी या एसिडिक एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती है, जिसे ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स बन जाते हैं। लेकिन सोना अलग है, ये दुनिया का सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट्स में एक है। ये नोबल मेटल्स ग्रुप का हिस्सा है जो आसानी से ऑक्सीजन, पानी या ज्यादा केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करता। गोल्ड के एटम्स में 79 प्रोटॉन्स होते हैं और उनके आसपास इलेक्ट्रॉन्स की एक स्ट्रॉन्ग शील्ड होती है जो उन्हें ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होने से बचाती है। इसकी स्टेबिलिटी का रीजन है एक साइंटिफिक फिनोमिनन जिसे रिलेटिविस्टिक इफेक्ट कहते हैं। मतलब गोल्ड जैसे हैवी एटम के इनर इलेक्ट्रॉन्स इतनी तेजी से घूमते हैं कि वो न्यूक्लियस के पास कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे आउटर इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं रहते। इसी वजह से सोना ना टार्निश्ड होता है, ना करोड़, ना रस्ट,